नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी महायुति को बाहर निकाल सकती है। ऐसे में स्थिति में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि अजीत पवार अकेले या फिर कुछ छोटे दलों के समूह के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अजीत पवार पिछले काफी समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की रीब्रांडिंग करने में जुटे हुए हैं। वह जन सम्मान यात्रा के जरिए राज्य भर के लोगों के बीच जा रहे हैं। अगर अजीत पवार के महायुति से निकलने के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। पिछले साल भले ही अजीत पवार बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति से चले गए थे और राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ उनके साथ गए विधायकों में 9 को मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि अजीत पवार के वोट महायुति यानी बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हुए। ऐसा ही अजीत पवार के साथ हुआ कि उन्हें बीजेपी और शिवसेना के वोट नहीं मिले। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह खुद स्वीकार किया। अजीत पवार भले ही राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी को दोहरी मार पड़ रही है। बीजेपी और शिवसेना का कैडर उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है और अपने लोग नाराज हो गए हैं। अजीत पवार ने उम्मीद की थी कि उसके साथ लोग भी आएंगे। बारामती में उनकी पत्नी की हार ने ये साफ किया है, लोग उनसे नाराज हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जहां अजीत पवार के अपने लोग दूर हुए और नाराज हैं, तो वहीं दूसरी मुस्लिम मतदाताओं ने भी दूरी बनाई है। मुंबई में नवाब मलिक और जिशान सिद्दीकी जैसे नेताओं के एनसीपी से लड़ने की उम्मीद है। अगर वे महायुति के कैंडिडेट होते तो उन्हें बड़ा चेहरा होने के बाद मुस्लिम वोट पाने में मुश्किल होगी। मुस्लिम वोट मजबूती से एमवीए में लामबंद हुआ है। महायुति सरकार में अजीत पवार भले ही उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों नेताओं से सीनियर और ज्यादा अनुभवी होने के कारण भी उनकी स्थिति तीसरे नंबर की है। ये भी एक वजह है कि अजीत पवार को वो माइलेज नहीं मिलता है जो वो सोचते हैं। उनके नजदीकी लोग असहजता का ये बड़ा कारण मानते हैं। अगर अजीत पवार महायुति के साथ रहकर 50 से 60 सीटों पर लड़कर 10 से 15 सीटें जीतते हैं, तो इससे अच्छा है कि वो अलग होकर लड़ें और अपने ज्यादा समर्थकों को टिकट दें। ऐसी स्थिति में अगर वो 20 सीट तक पहुंचते हैं तो उनका वजन साबित होगा। अजीत पवार ऐसी स्थिति में जहां उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।